इसमें आपको टैफे की तरफ से सैमसंग का S325 इंजन मिल जाता है, जो कि सुपर टॉर्क के साथ मोबाइल चार्जिंग के लिए इसमें 12 वोल्ट की कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलती है। आप अपने फोन को यहाँ से चार्ज कर, जेसीबी के अंदर जो गियर आता है वही गियर आपको इसमें मिल जाता है। सुपर सीपीओ, GSPTO, MSPTO, LPTO यानी लाइट PTO यानी मल्टी स्पीड PTO जैसे फंक्शन मिलते हैं जो गियर से ऑपरेट अंदर मिलता है। तो सिंगल पंप कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है। हैवी ड्यूटी आपको एक्सल मिल जाता है, जो कि पीछे का एक्सल आपको मिल रहा है, और लंबे समय तक आपको बड़ा सारा रेडिएटर मिलता है, काफी बड़ा रेडिएटर लगा के दिया है जिससे कि पर्याप्त मात्रा में हवा जाती है, और ये बेटर कूलेंट सिस्टम के साथ इंजन डीजल फिल्टर आपको मिलता है, जो कि काफी बड़ा सारा डीजल फिल्टर कंपनी यहाँ पे आपको लगा के दे, जिसमें कि वाटर सेपरेटर कंबाइन आपको मिलता है गियरों की। तो इसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर मिलते हैं, जो कि फुल्ली कांस्टेंट में गियर, तो 3 लिंकेज के साथ में इसमें ऑटोमेटिकली आपको डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार मिल जाता है, और मैसी की सेंसिंग वैसे भी जबरदस्त आपको मिलती है। दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू शानदार वीडियो में। मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं एग्रोटेक। आज हम ऐसे ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू कर रहे हैं जो टैफे की तरफ से ये ट्रैक्टर आता है, और 42 HP श्रेणी का ये ट्रैक्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंजन से। तो इसमें आपको टैफे की तरफ से सैमसंग का S325 इंजन मिल जाता है, जो कि सुपर टॉर्क के साथ में आता है। इसी के नीचे आपको 12 वोल्ट 1.5 kW की सेल्फ स्टार्टर मोटर मिलती है। नीचे हम बात करें तो इसमें पंप जो है स्टेयरिंग का पंप आपको मिल जाता है, पावर स्टेयरिंग का, और हाइड्रोलिक का पंप इसमें आपको अंदर मिलता है। तो सिंगल पंप कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है। अल्टीनेटर की बात करें तो कवर्ड अल्टीनेटर मिल जाता है, जो कि 12 वोल्ट 36 एम्पियर का अल्टीनेटर कंपनी की तरफ से मिलता है। आगे हम बात करते हैं इसके रेडिएटर की। तो इसमें आपको बड़ा सारा रेडिएटर मिलता है, काफ़ी बड़ा रेडिएटर लगा के दिया है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में हवा जाती है, और ये बेटर कूलेंट सिस्टम के साथ में इंजन वर्क करता है, और इसमें ये वाटर कूल्ड इंजन आता है। इसमें आपको सेपरेट ऑयल मिल जाता है, इसका पंप का सेपरेट ऑयल, ये पंप आप देख रहे हैं इसका सेपरेट ऑयल आपको यहाँ पे मिल रहा है, 1 लीटर का सेपरेट ऑयल प्लास्टिक का ऑफर करती है। इसमें आपको 55 लीटर की डीजल टैंकी आपको कंपनी यहाँ पे लगा के देती है, जो कि लोहे की डीजल टैंकी आपको मिल जाती है। तो हम बात कर रहे हैं जिस ट्रैक्टर का, तो हम उसका आपको डेडिकेटेड लुक दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कैफे की तरफ से आने वाला मैसी फर्गूसन 241 DI डाइना ट्रैक ट्रैक्टर है, जिसका आप आगे का डेडिकेटेड लुक देख सकते हैं। अंदर इसमें 2 हेलोजन हेडलाइट मिल जाती हैं, बीच में मैसी का लोबो मिल जाता है, और आगे की तरफ आपको इसमें 65 से 70 kg का हैवी ड्यूटी बम्फर आपको कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है। तो लुक वाइज ये काफ़ी अच्छा है, चौकोर लुक में ये आपको मिलता है, और आप इसमें लेफ्ट साइड में भी 241 DI मैसी फर्गूसन डायना ट्रैक की यहाँ पे बैजिंग आपको मिल जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं अन्य फीचर की। तो इसमें आपको मिलता है कवर्ड, यहाँ आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा इसमें दिया है, धूल मिट्टी वगैरह नहीं जाती है, तो इसमें आपको कवर्ड ये मिल जाता है, बोनट एक तरीके से कह सकते हैं। उसके बाद में इसके इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन कंपनी ऑफर करती है, जो कि 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ में आपको मिलता है, और बॉस्को का पंप आपको कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है, जो कि इंडिया की सबसे ट्रस्टेड कंपनी है। इसी के नीचे आपको इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाता है, उसके बगल में आपको डीजल फिल्टर आपको मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा सारा डीजल फिल्टर कंपनी यहाँ पे आपको लगा के देती है, जिसमें कि वाटर सेपरेटर कंबाइन आपको मिलता है। इससे क्या होता है कि ऐसा डीजल फिल्टर मैंने किसी कंपनी में नहीं देखा, इकलौता ये ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें आपको इस तरीके का डीजल फिल्टर मिलता है, जिससे कि मेंटेनेंस खर्चा कम होता है और ज़्यादा चलता लंबे समय तक आपका साथ देता है, बार बार आपको सर्विस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें कंबाइन आपको वाटर सेपरेटर और आपको डीजल फिल्टर कंपनी की तरफ से आपको मिलता है, जो कि किसी भी ट्रैक्टर में नहीं मिलता। इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर ये इकलौता ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें इस तरीके के आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है,
और मैसी ही ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है, मैसी ही ऐसी टेक्नोलॉजी आपको लगा के देती है। उसके बाद में लंबे समय तक साथ देने वाला आपको फुट स्टेपर मिल जाता है। इसमें आपको डुअल क्लच कंपनी ऑफर करती है पुश पैडल के साथ में। फ्लैट में आपको पायदान मिलते हैं। आगे हम बात करें इसमें गियरों की, तो इसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर मिलते हैं जो कि फुल्ली कांस्टेंट मेंस गियर आते हैं। 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स आपको ये जेसीबी का जो लीवर है उसकी मदद से मिलते हैं। इसमें सटल गियर, सुपर सटल गियर आता है जिससे कि आप इसको आगे करते हैं पीछे करते हैं तो आपको पीछे की साइड को भी उतनी स्पीड मिलती है और आगे की तरफ भी आपको उतनी स्पीड मिलती है। तो जेसीबी के अंदर जो गियर आता है वही गियर आपको इसमें मिल जाता है, सुपर सटल गियर। तो ये काफ़ी अच्छा है, 42 HP में आपको सुपर सटल गियर मिल रहा है, इससे ज़्यादा बढ़िया आपको क्या मिलेगा किसान भाइयों। फिर बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कुछ अलग टाइप का है। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे लाइनिंग वगैरह दी हुई है अलग टाइप में, बाकी डिजिटल और एनालॉग दोनों में इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल रहा है, जिसमें आपका बैटरी की क्या है पोजीशन है वो यहाँ पे मिल जाएगा, आपका फ्यूल कितना है वो यहाँ पे मिल जाएगा, गर्माई मीटर यहाँ पे मिल जाएगा, आपका RPM यहाँ पे आपको दिखाएगा और डैशबोर्ड काफ़ी स्टाइलिश आपको मिलने वाला है। हम टैंकी की अगर बात करें तो इसमें आपको 55 लीटर की टैंकी कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है, हमने आपको पहले ही बता दी थी लेकिन फिर भी आप मिरर में देख सकते हैं तो रिफ्लेक्टर आपको मिल रहा है। उसके बाद में राइट साइड में आपको नंबर ऑफ गियरों का लीवर मिल जाता है। राइट साइड में आप DC और PC लीवर की सेटिंग कर सकते हैं जो कि डायनेमिक तरीके से दी हुई है, काफ़ी उभरी हुई है, ऊपर आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता, आप आसानी से DC और PC लीवर की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, यानी कम्फर्ट है पूरा। आप जो इसका पायदान देख रहे हैं पूरा फ्लैट है, इसका जो पायदान है आप देख रहे हैं फ्लैट में पायदान है, आरामदायक आपको सीट मिलती है और हाई लो और मीडियम का लीवर आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है। उसके बाद में इसमें आपको जो PTO का लीवर है वो यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें LPTO, GSPTO, MSPTO, LPTO यानी लाइव PTO, GSPTO यानी ग्राउंड स्पीड PTO, MSPTO यानी मल्टी स्पीड PTO जैसे फंक्शन मिलते हैं जो गियर से ऑपरेट होते हैं। और दूसरा लीवर आपको यहीं पे लेफ्ट साइड में मिल जाता है न्यूट्रल का, ये भी आपको PTO का ही लीवर मिल रहा है। दोनों तरफ आपको इसमें पैसेंजर ग्रीव हैंडल मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको ड्राइवर ग्रीव हैंडल आपको कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है। उसके बाद में अगर आपका मोबाइल डिस हो जाता है तो आपका मोबाइल चार्जिंग के लिए इसमें 12 वोल्ट की कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलती है, आप अपने फ़ोन को यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद में स्टार्टिंग की आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको देखने को मिल जाती है। रेस पेडल आपको यहाँ पे नीचे आपको मिल रहा है और रेस लीवर आपको यहाँ पे स्टेयरिंग पे भी आपको मिल जाता है। तो उसके बाद में ये कुछ स्विचेज वगैरह हैं जो इंडिकेटर वगैरह के स्विचेज वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सबसे मोस्ट इसमें जो है वो है सुपर सटल गियर जो कि 42 HP में ही आपको मिल रहा है, ऐसा किसी भी ट्रैक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी 42 HP में कंपनी नहीं देती है सुपर सटल गियर और साइड शिफ्टिंग गियर। तो उसके बाद में हम बात करते हैं इसके ट्रांसपोर्ट लॉक की, तो इसमें आपको हाइड्रोलिक जो ट्रांसपोर्ट लॉक है वो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे लगा के देती है। उसके बाद में आपको मल्टी एडजस्टेबल सीट कंपनी की तरफ से मिल जाती है, आप अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं इसके टायरों की, तो आगे के जो टायर है इसमें आपको 616 के टायर मिल जाते हैं अपोलो के, और जो पीछे के टायर हैं वो आपको अपोलो के ही मिलने वाले हैं, लेकिन 13/6/28 के टायर आपको मिल जाते हैं पीछे के, और 35 kg का वेट मिलता है दोनों तरफ, आपको 35 kg का वेट मिलता है जिससे स्लिपेज नहीं होती है। तो चलिए हम बात करते हैं अन्य फीचरों की, तो हम आगे पीछे की तरफ, तो पीछे इसमें आप देख सकते हैं काफी हैवी ड्यूटी आपको एक्सल मिल जाता है जो कि पीछे का एक्सल आपको मिल रहा है और लंबे समय तक चलता है। उसके बाद में इसकी अगर हम कंट्रोल की बात करें तो 3 लिंकेज के साथ में इसमें ऑटोमेटिकली
आपको डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार मिल जाता है और मैसी की सेंसिंग वैसे भी जबरदस्त आपको मिलती है। कंपनी फिटेड हिच मिल जाता है इसमें आपको। पीटीओ की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम जो पीटीओ पावर है वो 38 की मिलती है सिक्स प्लाइन के साथ में, और इसमें आपको 540 आरपीएम पर वर्क करती है। मल्टी स्पीड पीटीओ, रिवर्स पीटीओ जैसे फंक्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 2050 केजी की हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी कंपनी आपको ऑफर करती है। इसी में आपको सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व कंपनी की तरफ से मिल जाता है जो कि आपको ट्रॉली में यूज आता है। उसके बाद में मिड में आपको फाइबर का इसमें टूल बॉक्स मिल जाता है, मिड में ही आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है पीछे की साइड को, और इसमें आपको 2 लीटर का कैरियर बोतल भी यहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। कुछ इंट्रैक्शन है, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में, वो कंपनी ने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं। ट्रैक्टर की सर्विस से रिलेटेड आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं इस नंबरों पे, ये नंबर दिए हैं। उसके बाद में आप रात में वर्क करते हैं तो इसमें आपको पीछे की साइड को हेलोजन हेडलाइट आपको कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है। पीछे की साइड को आपको इसमें ब्रेक इंडिकेटर और पार्किंग इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रैक्टर काफ़ी भरोसे का ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च किया है। 2022 में ये ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है, डायना ट्रैक सीरीज का ये ट्रैक्टर है और काफ़ी पसंद आता है किसानों को ये ट्रैक्टर। ट्रॉली में आप चलाते हैं तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी सॉकेट भी यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से मिल जाता है। तो इस तरीके के फीचर केवल आपको मैसी में ही देखने को मिलते हैं, यानी टैफे की तरफ से आने वाला जो ट्रैक्टर है उसी में इस तरीके के फीचर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी भरोसे का ट्रैक्टर है और काफ़ी भरोसेमंद ट्रैक्टर है जो डायना ट्रैक सीरीज है 241 की, और रिसेंटली ये लॉन्च किया 2022 में ये ट्रैक्टर लॉन्च हुआ, डायना ट्रैक सीरीज है। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। Yeah.